उद्धरेत आत्मना आत्मानम् न आत्मानम् अवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः। मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वो अपना पतन न होने दे और स्वयं ही अपना उद्धार करे। मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र भी है और अपना शत्रु भी। जिसने अपने अहम, अपने मन और अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया हो, वह स्वयं ही अपना मित्र है, और जो इनके वश में हो गया पार्थ, वह स्वयं ही अपना शत्रु है। जो शीतकाल और ग्रीष्मकाल, सुख और दुख, मान और अपमान में शांत रहे और संतुलन रखे, वो जितेंद्रिय पुरुष सदैव परमात्मा में लीन रहता है। किंतु हे पार्थ, बहुत खाने वाले या बिल्कुल ही न खाने वाले, या अधिक सोने वाले या बिल्कुल ही न सोने वाले को ये योग सिद्ध नहीं होता। जीवन संतुलन का नाम है पार्थ, और संतुलित ढंग से जीने वाले मनुष्य का योग उसके दुखों को हर लेता है। जैसे वायु रहित स्थान पर दीपक की ज्योति निश्चल रहती है, वैसे ही मोह रहित योगी भी निश्चल रहता है। चंचल मन को मनमानी न करने दो पार्थ, उसे रोको और उसे अपने आत्मा का अधीन बनाओ। तुम्हारी उलझनों का यही उपचार है। मेरी ओर देखो पार्थ, मेरी ओर देखो। जिसे हर दिशा और हर वस्तु में केवल मैं ही दिखाई दूं, वो तो कभी भटक ही नहीं सकता। जो मुझे नहीं भूलता पार्थ, मैं भी उसे नहीं भूलता। वो तो सांसारिक जीवन व्यतीत करते हुए भी संसार से अलग और मेरे भीतर रहता है। हे अर्जुन, जो योगी सबके सुख दुख को अपना सुख दुख माने, वही परम श्रेष्ठ है। आत्मा उपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। किंतु योग मार्ग पे चलते चलते मन भटक तो सकता है। भटक क्यों नहीं सकता, अवश्य भटक सकता है। केशव, तो फिर ब्रह्म की प्राप्ति के मार्ग में इस भटकन का परिणाम क्या होता है? भटक जाने वाला बादल की भांति छिन्न भिन्न होकर कहीं नष्ट तो नहीं हो जाता केशव? वो चाहे लोक हो चाहे परलोक, कल्याणकारी शुभ कार्य करने वालों की दुर्गति तो हो ही नहीं सकती। हे कुंती पुत्र, मुझ में मन लगाओ, मुझ पर निर्भर होकर योग करो, तुम्हें मेरा संशय रहित पूर्ण ज्ञान मिल जाएगा। हे धनंजय, सबसे बड़ा सत्य तो मैं ही हूं। मैं ही वो धागा हूं जिसमें ये सारी प्रकृति मणियों की भांति पिरोई हुई है। हे कौंतेय, जल में रस मैं हूं, सूर्य और चंद्रमा में प्रकाश मैं हूं, वेदों में ओमकार मैं हूं, आकाश में शब्द भी मैं ही हूं। मैं ही पृथ्वी में पवित्र सुगंध हूं, मैं ही अग्नि में तेज हूं, प्राणियों में जीवन शक्ति मैं हूं, तपस्वियों का तप मैं हूं। हे पार्थ, प्रारंभिक बीज मैं हूं, बुद्धिमानों की बुद्धि मैं, तेजस्वियों का तेज मैं, बलवानों में काम रहित बल भी मैं ही हूं, और प्राणियों में धर्म के विरुद्ध न जाने वाला काम भी मैं ही हूं। मैं सब में हूं पार्थ, किंतु सबसे अलग भी हूं। मैं अविनाशी हूं, मैं निर्गुण हूं। हे पार्थ, मैं बीते हुए सारे कालों, इस बीतते हुए आधुनिक काल और आने वाले सारे कालों के सारे प्राणियों को जानता हूं, परंतु मुझे कोई नहीं जानता। मैं ही जगत का पिता भी हूं, माता भी और पोषक भी। मैं ही ऋग्वेद हूं और मैं ही सामवेद। मैं ही स्वामी हूं और मैं ही शरण। मैं ही सृजन हूं और मैं ही विलोपन। मैं ही सबका आधार हूं पार्थ, मैं ही सब कुछ हूं, सब कुछ। ग्रीष्म भी मैं
और वर्षा भी मैं हूं। और हे पार्थ, मैं ही संसार का अविनाशी बीज भी हूं। मैं सबका अति प्रिय मित्र हूं, किंतु सबके लिए एक जैसा हूं। न कोई मुझे प्रिय है और न ही अप्रिय, परंतु जो मुझे श्रद्धा से पूजते हैं मित्र, वे मुझ में हैं और मैं उनमें। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रियः, ये भजन्ति तुमां भक्त्या मयिते तेषु चाप्यहम्। हे कृष्ण, आप परब्रह्म हैं, परम शोधक हैं, आप शाश्वत हैं, दिव्य तत्वज्ञ हैं, आप ईश्वर हैं, आप अजन्मा हैं। हे गिरिधर, केवल आप ही को आपका ज्ञान है। तो हे योगेश्वर, हे ज्ञान मूर्ति, मैं आपको जानूं कैसे, आपको पहचानूं कैसे, कृपया विस्तार से मुझे बताइए। कृपया विस्तार से मुझे बताइए माधव। हे गुरुश्रेष्ठ, मेरे विस्तार का तो कोई अंत ही नहीं है, फिर भी सुनो। मैं प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूं। अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः, अहम आदिश्च मध्यंच भूतानाम अंत एव च। हे गुणाकेश, मैं ही आरंभ भी हूं, मध्य भी और अंतिम का अंतिम छोर भी। मैं आदित्यों में विष्णु हूं, मरुतों में मरीचि, ज्योतियों में सूर्य और नक्षत्रों में चंद्र हूं। वेदानाम साम वेदोस्मि, देवानाम अस्मि वासवः, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, भूतानाम अस्मि चेतना। मैं वेदों में साम वेद हूं, देवों में इंद्र हूं, इंद्रियों में मन हूं और प्राणियों में चेतना हूं। मैं रुद्रों में शंकर हूं, यक्ष और राक्षसों में कुबेर हूं, वसुओं में अग्नि हूं और पर्वतों में सुमेरु हूं। पुरोहितों में मैं बृहस्पति हूं, सेनापतियों में कार्तिकेय और जलाशयों में महासागर। महर्षियों में मैं भृगु हूं, वाणी में ओमकार, यज्ञों में जय यज्ञ और अड़िगों में हिमालय हूं। मैं वृक्षों में पीपल हूं और देव ऋषियों में नारद हूं। मैं गंधर्वों में चित्ररथ हूं और सिद्धों में कपिल मुनि। हे महारथी, मैं अश्वों में अमृत से उत्पन्न होने वाला उच्चैश्रवा हूं। मैं गजों में ऐरावत हूं और मनुष्यों में नरपति। मैं शस्त्रों में वज्र, धेनुओं में कामधेनु, जनकों में कामदेव और नागों में शेष नाग हूं। प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानाम कालः कलयतामहम्, मृगाणाम च मृगेन्द्रोहम् वैनतेयश्च पक्षिणाम्। मैं दैत्यों में प्रह्लाद हूं, गणकों में काल हूं, वनचरों में सिंह हूं और पक्षियों में विष्णुवाहन गरुड़ हूं। और हे धनुर्धर, मैं शस्त्रधारियों में राम हूं, अक्षरों में अकार हूं। मैं कभी न समाप्त होने वाला समय हूं, मैं चहुमुखी सृष्टा हूं पार्थ। मैं ही मृत्यु हूं पार्थ, और मैं ही उन सब का आरंभ हूं जो आने वाले कालों में जन्म लेने वाले हैं और अभी तक जिनके आरंभ का आरंभ ही नहीं हुआ है। मृत्युः सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम्, कीर्तिः श्रीर्वाक्च नारीणाम् स्मृतिर्मेधा धृतिक्षमा। मैं स्त्रियों में कीर्ति, श्रीवाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा हूं। मैं ऋतुओं में ऋतुराज हूं और तेजस्वियों का तेज हूं। मैं गुण हूं, मैं विजय हूं, मैं प्रयत्न हूं। मैं यादवों में वासुदेव हूं और पांडवों में अर्जुन। मैं मुनियों में व्यास हूं और कवियों में शुक्राचार्य। यच्चापि सर्वभूतानां
बीजं तदहम अर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यात् मया भूतं चराचरम। मैं ही तो उत्पत्ति का बीज हूं पार्थ, वो चाहे चर हो चाहे अचर, मेरे बिन तो हो ही नहीं सकता। मैं प्राणों का प्राण और जीवन का जीव हूं।